वेलकम फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो और ए टू जेड में इसमें पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि ट्रेड लाइन को किस परस्पेक्टिव से आपको देखना है, कैसे वो ड्रॉ करनी है, अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ होगी, डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ होगी और उस पर ट्रेड कैसे लेनी है, कब ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होना हमको देखना है, कब उसका भाई यहाँ वहाँ फेक ब्रेकआउट होगा, कितने टच पॉइंट होने चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स जो कि आपको कहीं भी एक वीडियो में नहीं मिलेगी वो सारी इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है। तो पूरा ध्यान से अंत तक देखना आपको इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाते हैं मेरे भाई कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे देख लेते हैं, एक तो भाई है ना, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के मैं ये सारे लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाता हूं, तो एक भाई लाइक जरूर कर देना है आपको वीडियो को, और जब वीडियो खत्म हो जाए तो बता के जाना भाई कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो ये दो काम जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना। तो चलो यहां देख लेते हैं भाई ट्रेड लाइन को किस तरीके से देखना है। देखो मार्केट क्या होता है, वो तीन तरीके से काम करता है मार्केट। सिंपल तीन तरीके हैं मार्केट के काम करने के, या तो वो भाई ऐसा भाई अप ट्रेंड में जा रहा होता है, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहा होता है भाई डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, या फिर क्या कर रहा था भाई मार्केट मान लो ऐसा कंसोलिडेट होता रहेगा। तीन तरीके होते हैं। तो ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, अप ट्रेंड में ड्रॉ होगी और डाउन ट्रेंड में ड्रॉ होगी, इसमें नहीं होगी ट्रेड लाइन, ठीक है। साइडवेज के दौरान आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, कोई भी दो पॉइंट चाहिए, जैसे ये दो पॉइंट बना लिए ये ट्रेड लाइन बन गई, ये दो पॉइंट आपने मिला लिए ट्रेड लाइन बन गई। एनी टू पॉइंट्स, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा है कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर दो पॉइंट है तो आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये हो गया ये हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हो। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए किसी भी ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ दो पॉइंट की ही जरूरत है, दो से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, पर दो पॉइंट है इट्स इनफ टू ड्रॉ ए ट्रेड लाइन, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि यार अप ट्रेंड में मेरे को क्या देखना पड़ेगा, तो अप ट्रेंड में आपको क्या देखना पड़ेगा, दो हायर लो, ठीक है, हायर लो आपको देखना पड़ेंगे। यहां से मान लो मार्केट ऐसा था, ऐसा चल रहा था, यहां गया यहां गया यहां गया, अब यहां पे क्या मिल रहा है आपको, ये है एक लो, ये एक हायर लो, तो आप यहां पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसा करके, तो ये एक ट्रेड लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, हायर लो लो हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या देखोगे आप, यहां पे नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो दो हायर लो चाहिए, ठीक है, दो डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए, दो लोअर हाई, सॉरी है ना, दो लोअर हाई। तो ये हो गया एक, ये हो गया, तो बस ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दो यहां पे, ये रही बस ट्रेड लाइन। तो बस इतना सिंपल है ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना, पर इसको ट्रेड कैसे करना है, कितना एंगल पे होनी चाहिए, ज्यादा स्टीप है तो क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें कहीं भी आपको समझ में नहीं आती है जो मैं आगे जाके बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो देखो आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं भाई एंगल के ऊपर। बहुत सारे जगह ये पर डाउट होता है कि भाई किस एंगल पे, यहाँ पे भाई ये 90 डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए, कितने डिग्री का चाहिए, यहाँ पे जो एंगल होता है भाई, है ना भाई, ये फ्लैट सरफेस और इससे यहाँ पे जा रही है, तो ये ट्रेड लाइन की क्या स्लोप हो सकती है। स्लोप आप समझ गए, अपने घर के बाहर जो गाड़ी उतारने की जगह होती है तो वो ढलान होती है, कितनी ढलान चाहिए बेसिकली, है ना, एंगल, तो वो एंगल अपने को कितना चाहिए। तो देखो कोई भी ट्रेड लाइन है ना 50 डिग्री आप एक अंदाजन लगा के चलो, कोई भी ऐसी ट्रेड लाइन नहीं हो सकती है, ये ट्रेड लाइन काम नहीं करेगी। ट्रेड लाइन को चाहिए भाई कम से कम भाई ये इस तरीके की स्लोप, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर स्लोप है ना, ये ऐसी भी चल जाएगी, ऐसी भी चल जाएगी, ऐसी भी चल जाएगी, पर ये ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसा भाई मार्केट ऐसा रॉकेट हो रहा है, ऐसा जा रहा है, आपने लगा ली ट्रेड लाइन यहाँ से, ये काम नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड लाइन को ट्रेड करने का। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम जो एंगल एक ट्रेड लाइन के लिए आपको देखना है वो मान लो आप भाई 50 डिग्री काफ़ी है, 50-60 डिग्री से ऊपर तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने का। अब आप एंगल भाई यहाँ पर डी लगा के भाई, है ना, एंगल ना आपने नहीं लगना है, बस अपने को एक अंदाजन से अपने को पता लग जाता भाई देखने से कि भाई ये ज़्यादा एंगल हो गया है, ये ज़्यादा स्टीप हो गई है, बस वो काम में आएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई इतना डिग्री होना ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड लाइन आपको समझ में आ गई कि दो पॉइंट्स होने चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, अगर 200 ज्यादा पॉइंट होंगे तो क्या कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते टाइम। अब ट्रेड लाइन में आपको ओरिजिनल चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे चलेंगे हम कि भाई ट्रेड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पे एक नज़र आ रही होगी आपको ट्रेड लाइन,
यहाँ पे एक ड्रॉ हो सकती है क्या ट्रेड लाइन, यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन देखो ट्रेड लाइन का ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है, ये पॉइंट मिलाया ये पॉइंट मिलाया, हालांकि इस पे मार्केट अभी आया नहीं है पर ये एक ट्रेड लाइन है आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो आप। ठीक है अभी जैसे ये हो गई एक ट्रेड लाइन आपको ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ दिख रही होगी, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे ही हो गया भाई, ये तो फ्लैट हो गया है ऑलमोस्ट, ये हो गई आपको एक ट्रेड लाइन, एक पॉइंट दो पॉइंट और ये देखो तीसरा पॉइंट। ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ना, एक पॉइंट हो गया दो पॉइंट हो गया और तीसरी बार जब ये यहां पे आया तो क्या हुआ, दो पॉइंट से ट्रेड लाइन थी नीचे जा रही थी, तीसरी बार आके यहाँ कॉन्सोलिडेट देखो कितना देर कॉन्सोलिडेट हुआ है। तो ऐसे आप भाई है ना यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी एक ड्रॉ कर सकते हो भाई है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समय अराउंड ये देखो ये एक ट्रेड लाइन है दिख रही है, एक बार आया मार्केट दो बार आया तीसरी बार आया देखो ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस लेको क्या जबरदस्त फॉल दिखाया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लाइन बनानी है, देखो इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले ड्रॉ करना देख लेते हैं। यहां से भाई देखो ट्रेड लाइन आपने ड्रॉ की, एक बार दो बार तीसरी बार मार्केट आया क्या हुआ है फॉल हुआ है, फिर ये चौथी बार आया भाई चौथी बार भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा मार्केट है ना, तो इस तरीके से आपको देखना है ट्रेड लाइन को, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आपने ट्रेड लाइन लगाई, ये एक पॉइंट था हाई पॉइंट, ये एक हाई पॉइंट था, अब देखो यहाँ दो पॉइंट है ना, अब ये यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की है, देखो फेलियर हो गया भाई ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे देखो क्या फॉल आया है। इस तरीके से आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके देखनी है, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो यार भैया ना, इसको जहां पे आपको ड्रॉ करना है जैसे ये एक ट्रेड लाइन है यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख लोगे आप समवेयर अराउंड ये रही ट्रेड लाइन, ये हाई पॉइंट ये हाई पॉइंट और ऑलमोस्ट यहाँ पे आया देखो तीसरी बार है ना ये, इसको टच करने आया पर आ नहीं पाया। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है यार मैं ऐसे करूँ, देखो अब इसमें एक और तरीका क्या होता है, आप सिंपली जा सकते हो और ये देखो लाइन चार्ट लगा सकते हो, अब बिल्कुल ही भाई आपको मेहनत नहीं करनी है, तो ये लो भैया कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए कि भैया मेरे को तो सिंपल सिंपल बात है मेरे को सीधा सीधा दिख जाए, ये लो देखो यहाँ पे दो बार टच हुआ ट्रेड लाइन बनाई, तीसरी बार मार्केट यहाँ आया फॉल दिखा दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, लाइन चार्ट लगा के भी काम में ले सकते हो आप इसको, सिंपल बात कहने का मतलब ये है जैसे ये एक ट्रेड लाइन थी यहां पे तो क्रॉस करके देखो फेलियर हुआ, यहां पे देखो एक क्लासिकल एग्जांपल ट्रेड लाइन थी उसको ब्रेक किया रीटेस्ट किया, यहां पे लोग एंट्री बनाए होंगे, देखो ब्रेकआउट फेलियर कैसे होता है, ये देखो यहां पे एक ट्रैप बना होगा भाई है ना बहुत तगड़ा वाला, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे भाई और ट्रेड लाइन आपको मिल जाएगी, देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही है गिरने पे भाई क्या जबरदस्त फॉल आया है, तो इस तरीके से लाइन चार्ट बना के भी आप भाई ट्रेड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो। ठीक है तो इस तरीके से आपको ट्रेड लाइन बनानी है, आपको समझ में आ गई होगी, देखो यहाँ पे भी समवेयर अराउंड एक ट्रेड लाइन बन रही है। अब बहुत सारे लोग क्या आशा करेंगे कि सर ये बिल्कुल परफेक्ट हो कि ऐसा ट्रेड लाइन है ना तो मार्केट जस्ट इसको टच करते ही गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है इस तरीके से इसको नहीं देखना है, मार्केट ट्रेड लाइन में अभी पूरा एक जोन होता है भैया ना, ऐसा नहीं है कि एक लाइन है नाम में लाइन है पर ये ट्रेड लाइन एक मतलब एक जोन होता है, थोड़ा बहुत आपको भाई अपर लोअर मार्जिन यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ट्रेड लाइन दिख रही है मैं कहीं भी घुसूंगा और भाई ट्रेड लूंगा और भाई मैं तो तुरंत मेरा पैसा बनना चाहिए क्योंकि लाइन दिख रही थी मेरे को। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं ना इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ ना कि ये जो प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये चार्ट देख रहे हो ना ये है धन का चार्ट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोल रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां गूगल फॉर्म भर लेना, वहां पे आपको 5,000 रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल जीतने का भी मौका मिलता है, साथ ही साथ अगर आप कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो तो आपको वो मिल जाएंगे tradingwithkarol.com पे। बाकी इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रेड करेंगे, 2 से 3 दिन में वो आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो और अगर भाई कमेंट करके बता दो कि भाई आपको समझ में आया क्या भाई कमेंट में कि भाई ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट होगा तो वो मैं फिर ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।